हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं टू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। यह दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है और इस दिन यम के लिए दीपक भी जलाने की परंपरा है। दिवाली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से दीपक जलाने से व्यक्ति के सभी पापों का छुटकारा मिल जाता है और अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। नरक चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से भगवान शिव, श्री कृष्ण, पवन पुत्र, हनुमान, माता काली और यमराज की पूजा करने का विधान है। अब ऐसे में इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है और कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने की मनाही है। अब ऐसे में नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें और माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यम की पूजा करने से काल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन पूरे शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए और फिर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि चतुर्दशी के दिन माता लक्ष्मी का वास होता है और इससे उनकी कृपा बनी रहती है। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इस दिन उनकी सेवा करने से व्यक्ति का भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उत्तम परिणाम मिलते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन माता काली की पूजा भी जरूर करें। इनकी पूजा करने से सभी भय से छुटकारा मिलता है। नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता की पूजा अर्चना करने का भी विधान है, इसलिए इस दिन किसी भी जीव को ना मारें और ना ही परेशान करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।